हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल वेब टॉडलर पे। मेरा नाम विशेष है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप न्यूज डेली की। तो स्टार्टअप न्यूज डेली हमने एक स्टार्ट किया था कि जिसमें डेली स्टार्टअप न्यूज के बारे में बताते थे। इसका थोड़ा सा हम फॉर्मेट चेंज करेंगे। आज हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ेंगे स्टार्टअप की जो लास्ट वीक हुई है, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ हम एक एक स्टार्टअप उठाएंगे जो हमने नया डिस्कवर किया है, और मैं उसके बारे में आपको सारा कुछ बताऊंगा। आज हम बात करेंगे हेडलाइंस की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्विगी से। तो स्विगी ने सीरीज आई राउंड में अपने 113 मिलियन डॉलर उठाए हैं, यानी कि करीब 800 करोड़ रुपए इन्होंने रेस करे हैं, जो कि ये फूडटेक स्टार्टअप है। स्विगी के बारे में आप सब जानते ही हैं, फूड डिलीवरी स्टार्टअप है। उसके बाद हम बात करते हैं एडटेक की। एडटेक जो कि आप देख रहे हैं कि इस महीने सारी की जितनी सारी सबसे ज्यादा फंडिंग आ रही है वो एडटेक में आ रही है। तो एडटेक की अगर हम बात करें तो Udemy.com जो एक वेबसाइट है, वहां पे आप बहुत सारे किसी भी कोर्स को वहां पे आप ले सकते हैं, सस्ते कोर्सेज मिलते हैं और वहां बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज भी मिल जाते हैं आपको। तो इन्होंने रेज करे हैं 50 मिलियन डॉलर। 50 मिलियन डॉलर का मतलब हो गया करीब 350-400 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि एक इन्होंने रेज करे हैं बेनीज होल्डिंग्स से, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और आगे एडटेक में डाल रहे हैं तो कुछ अच्छा कंटेंट ये प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूडटेक स्टार्टअप गो देसी की। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें कि अगर जैसे एडटेक में काफ़ी ज़्यादा फंडिंग मिल रही है, तो फूडटेक में भी काफ़ी ज़्यादा फंडिंग आजकल मिल रही है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं गो देसी जो यहाँ पर स्टार्टअप है फूडटेक का, इन्होंने रेस करे हैं 4.5 करोड़ रुपये रुकम कैपिटल से। फिर हम बात करते हैं फिनटेक की। फिनटेक स्टार्टअप प्रज्ञान कैपिटल इन्होंने रेस करे हैं एसियन वेंचर लैब से 1.2 मिलियन डॉलर, यानी कि करीब 10 करोड़ रुपए इन्होंने रेस करे हैं। ब्लूम वेंचर्स ने अभी अपना एक नया फंड लॉन्च किया है, अपॉर्चुनिटी फंड। तो इन्होंने जो एक फंड ये क्लोज किया है, ये किया है 41 मिलियन डॉलर्स का। 41 मिलियन डॉलर्स का मतलब हो गया करीब आपका 300 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने ये फंड यहाँ पे रेस किया है। तो ये इकट्ठे ये जो फंड होगा ये यूज करेंगे आगे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर हम बात करते हैं इंटरसिटी जो कि एक ट्रैवल स्टार्टअप है रेल यात्री डॉट इन का। तो इन्होंने रेस करे हैं करीब 100 करोड़ रुपए। तो इन्होंने ये रेस करा है नंदन नीलनकानी जो कि इंफोसिस के फाउंडर है, उन्होंने ये लीड किया है अराउंड। और हम नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट मार्केटप्लेस पेपर। तो ये एक नया एक स्टार्टअप की हम बात करेंगे। पेपर एक स्टार्टअप है जो कि कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो इन्होंने रेस करे हैं सीड कैपिटल एक तरीके से रेस करा है टाइटन कैपिटल योर स्टोरी से एंड अदर एंजल से करीब 2.2 करोड़ रुपए, यानी कि 2.20 करोड़ रुपए करीब इन्होंने रेस किया है। फिर हम बात करते हैं शेयर चैट ने अभी एक्वायर किया है सोशल कॉमर्स स्टार्टअप इलानिक। तो सोशल कॉमर्स स्टार्टअप हमने पहले ही बात करी थी, सिमसिम एक स्टार्टअप था और भी सोशल कॉमर्स स्टार्टअप्स हैं जो कि आजकल काफी न्यूज में आ रहे हैं। तो सोशल कॉमर्स क्या होता है और इसके बारे में हम आपको एक अलग वीडियो में समझाएंगे सारा। तो ये शेयर चैट ने एक्वायर किया है इलानिक, एक भी हायर किया बेसिकली इन्होंने एक्वायर कर लिया और सारे के सारे इनकी टीम में ऐड हो गए हैं। एंड जो इलानिक है वो इनका भी एक तरीके से प्लेटफॉर्म हो गया, हो सकता है ये अपनी प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करे उसे। नेक्स्ट जो लास्ट है आज की न्यूज उसके हम बात करते हैं रुपीक की। तो रुपीक एक फिनटेक स्टार्टअप है जिसने रेस करे हैं 30 मिलियन डॉलर। 30 मिलियन डॉलर का मतलब मान सकते हैं करीब 225-200 करोड़ रुपए इन्होंने रेस करा है। जीजीवी कैपिटल और बिन्नी बंसल जी से और कुछ और इन्वेस्टर्स भी हैं जिनसे रेस किया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और प्लीज़ हिट करिए नीचे सब्सक्राइब बटन, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और डू लेट मी नो कि आपको ये नया फॉर्मेट कैसा लगा, नई वीडियोस जो कि मैं डिटेल में, ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही थी इस करके हमने ये सिर्फ हेडलाइंस रखी हैं और बाकी जो कि एक एक स्टार्टअप के बारे में उठा के हम बाकी एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट हम डालने वाले हैं डंजो के ऊपर। तो डू ट्यून इन, थैंक यू सो मच।